सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव श्याम ठाकरे ने सामाजिक न्याय विभाग को आज अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अवासीय विद्यालयों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने और कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय शुरू करने का निर्देश दिया। वह नागपुर अमरावती डिवीजन के फील्ड अधिकारियों के समीक्षा बैठक में उनकी अध्यक्षता में बखत भवन में बोल रहे थे। समाज कल्याण आयुक्त डॉक्टर प्रसाद नारनवरे, विकलांगता कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशमुख, भारती दमज्योति गजबी के महानिदेशक, नागपुर डिवीजन के क्षेत्रीय उपायुक्त डॉक्टर इस अवसर पर सिद्धार्थ गायकवाड़, विजय सालवे क्षेत्रीय उपायुक्त अमरावती डिवीजन उपस्थित थे। आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू करने का निर्देश देते हुए टेगड़े ने कहा कि कोविड की पृष्ठभूमि पर स्कूल शुरू करते समय स्वच्छता, मुखौटे और स्वच्छता के बारे में सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। स्कूलों और छात्रावासों में छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसी समय छात्रावास के भोजन को नियमित रूप से जांचना चाहिए। CBSE पाठ्यक्रम को सभी स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए। साथ ही वास्तविक लाभ के लिए रमी आवास योजना के लाभार्थियों की जांच की जानी चाहिए। टेगड़े ने इस समय संबंधित को सौंप दिया। महा BTT प्रणाली पर महाविद्यालय स्तर और जिला स्तर पर अकादमिक वर्ष 2019-20 में मैट्रिक छात्रवृत्ति और ट्यूशन फीस परीक्षा प्रतिपूर्ति योजनाओं पर लंबित आवेदनों के निपटान के प्रावधान की भी समीक्षा की गई। छात्रावासों के साथ साथ आवासीय विद्यालयों के निर्माण की समीक्षा के बाद अनुदानित छात्रावासों के लिए अनुदान और उनके भवनों की स्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं जो अत्याचारों का शिकार हुई है, अंतर जातीय विवाह के प्रोत्साहन अनुदान योजनाएं आदि संबंधितों को आगे की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर नागपुर के सहायक आयुक्त और अमरावती डिवीजन जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाउसकीपर्स, होम हेड्स, अनुसूचित जाति आवासीय स्कूलों के प्रमुख, जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के अध्यक्ष, संबंधित विभागों के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।